ब्रह्मलिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लल विराजमान रास्ता देख सकते हो कैसे रास्ता है यहाँ का। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह ही हमने 9 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और 9 किलोमीटर कवर करने के बाद अब व्यू चेक कर सकते हो कैसा है व्यू। अभी धूप निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं। आपको आगे ही मिलूंगा मैं, थोड़ा रूट बहुत ज़्यादा कच्चा है, इसी रूट पे खच्चर चलते हैं, आने जाने का इसी रूट पे है। ये सभी इसी रूट पे है। अभी थोड़े से 1-2 घंटे के बाद ना पूरा भीड़ होना स्टार्ट हो जाएगा, आने का जाने का दोनों एक ही साइड से, ऊपर घोड़े वाले उसका भी आने जाने का इसी साइड से है, पालकी वाले सब के सब यहीं से आए जाएंगे। दोस्तों अभी ट्रैक रह गया 3 किलोमीटर का और तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये ना रास्ता छोटा है और ट्रैफिक देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, आधा घोड़े वाले चल रहे हैं, फिर बीच में आप वो देख रहे हो वहाँ पर वहाँ रुके हैं पैदल चलने वाले। ये देखो यहाँ से आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, बस यही है एक थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखो यहाँ थोड़ा जाम लग चुका है, ऐसे जाम लग जाता है। दोस्तों ये सिंगल रूट है, ये सबसे खतरनाक रूट है, आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा हबड़ दबड़ होती है इसी पे। उसकी सवारी भी सिंगल थी। बंदे के चलने की दिक्कत हो रही है, निकड़ा का जल्दी। इधर से चलो, फिर भी ठीक है, यहाँ सेफ है, ये सेफ है, इधर का घोड़े का भरोसा नहीं है कोई। यहाँ अब थोड़ा रूट सही आ गया,
और होगा सर। दोस्तों ये व्यू कितना जबरदस्त है। बिल्कुल छोटा सा रूट है ये, यहाँ से पालकी के लिए, और ये रूट है पैदल के लिए। उसके बाद कुछ इस ब्रिज से कुछ दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। दोस्तों वाई जंक्शन वाटरफॉल, जो आप ये वाटरफॉल मैंने दिखाया था ना, आप जो नीचे का रूट है ये, इस रूट पे बिल्कुल भी मत आना। ये देखो आप देख सकते हो कितना सा रूट ये है, ये बिल्कुल छोटा सा। ये देखो, ये देखो, यहाँ से बिल्कुल मत आना बिल्कुल भी। एक बिल्कुल ऊपर से रास्ता है जहाँ से घोड़े नहीं जाते बिल्कुल भी, पैदल के लिए है ये। ये आप देख रहे हो सारे पैदल पैदल, घोड़े का रास्ता नहीं है, यहाँ से जाना। ये रूट दी बेस्ट है। दोस्तों अभी ये झरना देखो कितना शानदार है, जैसे जैसे दूध की नदी बह रही हो। ऐसे लग रहा है। बोले उधर ना जान। दोस्तों अभी आप देख रहे हो ये बाल टाल वाला रास्ता है, और वो आप देख रहे हो सामने वो पहल गांव का रास्ता है,
और यहाँ आके ना मिलता है यहाँ पर दोनों के दोनों। चलो चलो दोस्तों, ये अभी आप देख रहे हो माता का शक्तिपीठ। आगे वाला एक लाइन बनाओ, आगे वाला एक लाइन बनाओ, उसको एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो। एक लाइन से आ जाओ भाई, एक लाइन से आ जाओ। आप रास्ता देख सकते हो कैसे रास्ता है यहाँ का। जय माता की। ऊपर शक्ति पीठ है माता का। ये ब्रिज कल ही तैयार किया है, ये टूट गया था, दोबारा से तैयार किया ये। अभी काम चला हुआ है इस पे। ये कल ही बना है नया, ये ब्रिज कल ही बना है नया। दोस्तों आप भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है। ब्रह्मंडलिंप निर्जरी बिलोल वीची वल्लल विराजमान मोदन धग 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 ज्वल ललाट पट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिषणम ममा धरा धरे नीतम प्रबद्ध कल्पद कंदर निलिंप निर्जरी तनो तनोत बिंद सुन्द। दोस्तों अभी भवन के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, वो आप देख रहे हो भवन का रास्ता है, दरबार है वहां पर, गुफा है। इतनी चढ़ाई करने के बाद, थकावट होने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं। जय बोलेगी। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, आप भारी भारी बैग मत ले गया ना, आप परेशान हो गए यहाँ पर। ये आपकी बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए एक जैकेट ले आना, हल्के फुल्के लोवर ले आना जिसका ज़्यादा वजन ना हो, क्यों चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी आप करो पवित्र गुफा के दर्शन। अभी आपका यहाँ जो यहाँ टेंट का जो प्राइस रहेगा आपको मैं वो बताऊंगा, रूट का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। यहाँ क्या कुछ है, और गर्मी है यहाँ पर, इतनी बर्फ बुर्फ कुछ नहीं है, आप देख रहे हो बर्फ बुर्फ नहीं है, बिल्कुल गर्मी है।
यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यहाँ जो भी आए हुए हैं ना, ये शर्ट पहन के आए हुए हैं, शर्ट टी शर्ट ये पहन के आए हुए हैं, कोई कोई पहन रहा है बुजुर्ग नहीं। आप इसको देखो, गर्मी बहुत है। आप आने का प्लान कर रहे हो तो ज़्यादा बैग मत लेके आना, मौसम भी चेक करते रहना भाई वेदर कैसा है। अभी मैंने आज का वेदर चेक किया तो 40% बारिश थी दोस्तों। यहाँ पर हल्की फुल्की बहुत पुरानी बर्फ मिली है, आप देख सकते हो कितनी ब्लैक हो रही है ये। अभी यहाँ से थोड़ा सा इसका रूट बना रही है इस पर बर्फ़ पे कटिंग करके। वो देखो एक फिसला भी है, भक्तों आपको ऐसे भी भक्त मिलेंगे यहाँ पर जो ऐसे दर्शन करते आ रहे हैं। ये देखो कोई मन्नत रही होगी तभी आ रहे हैं ऐसे। दोस्तों ऊपर ये भी बर्फ बहुत पुरानी है, और भगवान जी के दर्शन कर लो। इसके बाद फोन फोन कुछ अलाउड नहीं है। जो आप वो कैंप देख रहे हो ना आर्मी वाले के, उसके बाद अलाउड नहीं है फोन बैग कुछ भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे सभी? अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं, प्रसाद मिल चुका है, और कबूतर जो जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं वैसे हमको दिखाई दिए हैं, पर आप भी दर्शन कर लो। अभी नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है इसमें, ठीक है। जय बोले बोले लो जी, दर्शन कर लो। ऊपर फोन अलाउड नहीं था, यहाँ तक का था अलाउड, यहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, और हमको जोड़े के जो कबूतर के जोड़े होते हैं वो किसी किसी को दिखाई देते हैं, हमें दिखाई दी है, भाग्यशाली है। हमारा साथ कोई नहीं, यही रहा ऊपर।